ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि कुछ दिनों पहले हमें लॉस सैंटोस में अंडरवाटर माफिया दिखा था, काफी सारे स्वैट सोल्जर्स उसे पकड़ कर ले जा रहे थे। अब कहां ले जा रहे थे, क्यों ले जा रहे थे, वो हमें नहीं मालूम, लेकिन लेस्टर ने भी उन लोग को देखा था। तो लेस्टर ने क्या करा, जितने भी सीक्रेट कैमरे थे ना लॉस सैंटोस के, उन सभी को हैक करा और उनका फुटेज देखा उसी टाइम का। तो उसके अंदर हमें ट्रक तो पता चल गया कि कौन से थे, और उसके अंदर हमें अंडरवाटर माफिया भी आ गया। अब वो उसे लेकर गए थे सीधा गवर्नमेंट फैसिलिटी, और उनका पीछा करते करते हम लोग भी वहां पर पहुंच गए। बट जैसे हम लोग वहां पर पहुंचे तो वो ना गाइस और भी ज्यादा सिक्योरिटी, और भी ज्यादा फोर्स के साथ वहां से निकल गए किसी और जगह के लिए। और फिर हम लोग ने दोबारा से इनका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन यार तभी इन लोग को हमारे ऊपर शक हो गया। और इन्होंने क्या करा कि ना, जिस गाड़ी के अंदर अंडरवाटर माफिया था उस ट्रक को तो सीधा भेज दिया, लेकिन जो बाकी पूरी की पूरी फोर्स थी ना, उसने हाईवे ब्लॉक करा और हमारे ऊपर एकदम झटके से अटैक कर दिया। अब अच्छी बात तो यह कि जैसे जैसे बचकर हम लोग वहां से भाग गए थे, और साथ ही हमने ना एक स्वैट सोल्जर्स को अपने साथ पकड़ लिया था, वो भी जिंदा, उसको दबा के टॉर्चर करा और उससे ना इनका पूरा का पूरा प्लान बाहर निकलवाया। तो यार ये लोग पता क्या चाह रहे थे कि अंडरवाटर माफिया को ना ये लोग भेज दे सीधा नॉर्थ एंगटन बिग माफिया के भाई को मारने के लिए, और उसके पेट में ना इन्होंने बॉम्ब भी लगा दिया था, वो भी बहुत खतरनाक। यानी कि अगर अंडरवाटर माफिया मर भी जाता है ना, तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए और साथ में जो बिग माफिया का भाई है वो मर जाए। मतलब यार इस टाइम ना मिलिट्री वाले कुछ अलग ही दिमाग लगा रहे हैं। फिलहाल अभी ना हमने जैसे तैसे करके अंडरवाटर माफिया को रेस्क्यू करवा लिया, बहुत तगड़ी प्लानिंग थी लेस्टर की, एक प्लेन चुराया, उसके बाद हम लोगों ने जितनी भी फोर्स थी उसके ऊपर बॉम्ब गिराया, बहुत कुछ था भाई, क्या ही बताऊं मैं। बट जैसे तैसे करके हम लोग ने अंडरवाटर माफिया को तो बचा लिया, लेकिन उसको बचाने का कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो बॉम्ब है वो उसकी पीठ में अभी भी अटैच्ड है, और उसको निकालना ना एक टाइप से इम्पॉसिबल सा हो रहा है। और यार वो जो बॉम्ब है ना गाइस अभी कुछ ही घंटे में फटने भी वाला है। फिलहाल अभी हम लोग अपने रेंट वाले हाउस पर आ गए थे उसको रेस्क्यू कर, और ये देखो यार अपनी हार्ले डेविडसन भी यहाँ पर खड़ी हुई है। अभी ना गाइस जल्दी से मैं सीधा ऊपर चलता हूँ, देखते हैं क्या सीन है, वो बॉम्ब अभी तक डीअटैच हुआ या फिर नहीं हुआ। तो चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना जल्दी से ऊपर चल के लेस्टर से ही बात कर लेते हैं। फिलहाल अभी ना सुबह के 5 बज रहे और अपने 2 घंटे बीत भी चुके हैं, यानी ये जो बॉम्ब है ना गाइस कुछ ही देर में ब्लास्ट होने वाला है। तो मुझे नहीं पता भैया अभी क्या करना चाहिए। और फिलहाल यहां पर ट्रेवर अपना टीवी देख रहा था और ये सो गया है, फ्रैंकलिन भी यहां पर अपना बैठ के लैपटॉप पे रिसर्च वगैरह कर रहा है, और वो देखो सामने अपना लेस्टर भी फुल ट्राई कर रहा है इसे डिफ्यूज करने का, बैनी भी आ गया था। बैनी और लेस्टर भाई दोनों जब से इसी में लगे पड़े हैं, अब पता नहीं यार क्या सीन होने वाला है, एक बार लेस्टर से बात कर लेता है कितना काम कंप्लीट हुआ। तो चलो गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहां पर लेस्टर से बात हो गई है, और गाइस यार लेस्टर कह रहा है कि इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना तो दूर की बात है, इन लोग को यही नहीं समझ कि आखिरकार ये जो बॉम्ब है ये डीअटैच ही कैसे होगा, क्योंकि अगर डिफ्यूज नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा सीन होता है कि हम लोग डीअटैच करते और इसे पानी में ले जाके फेंक देते तो सीधी सी बात है अंडरवाटर माफिया बच जाता, बट अभी यार डीअटैच तक नहीं हो रहा है तो पता नहीं यार क्या सीन है। अभी ना फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि इस बॉम्ब को ना वही बंदा डिफ्यूज कर सकता है जिसने इसको बनाया हो, तो भाई उस बंदे को हम लोग कहां से ढूंढेंगे, कहां से आएगा कुछ नहीं मालूम। तो इसलिए तुम क्या करो, एक गाड़ी लो, अंडरवाटर माफिया को लेकर चलते हैं, इसी को ले जाकर पानी में फेंकते हैं, क्योंकि अभी ना अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये ब्लास्ट होगा और हम लोग इसके साथ रहेंगे तो हम भी मरेंगे, साथ के साथ अगल बगल का जो बिल्डिंग्स है वो भी सारी की सारी गिरने वाली हैं, क्योंकि पता नहीं यार कितना बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। वैसे यार एक सेकंड, अभी ना फिलहाल मेरे दिमाग में एक बहुत जबरदस्त आइडिया है। अब देखो अंडरवाटर माफिया के ऊपर बॉम्ब लगाए तो सीधी सी बात है ना, अंडरवाटर माफिया को तो पता होगा कि इसके ऊपर बॉम्ब कहां पर लगाया गया, किस जगह पर लगाया गया। तो चलो यार अभी ना जल्दी से इसी से चल के बात करते हैं। फिलहाल वो ना बेचारा काफी ज्यादा गहरी नींद में सो रहा है, पता नहीं कितने दिन से इसे सोने नहीं दिया था, अभी ना फिलहाल इसको उठाकर हमें पूछना ही पड़ेगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने अंडरवाटर माफिया को जगा दिया है, और गाइस ये कह रहा है कि इसे अच्छे से तो नहीं याद कि मिलिट्री वालों ने इसकी पीठ पर ये बॉम्ब कब प्लान करा और कहां प्लान करा, क्योंकि यार वो लोग ना इसे पूरा टाइम बेहोश करके रखते थे, कि इंजेक्शन लगा के, और पूरे टाइम एक बंद कमरे में कैद रखते थे। लेकिन यार ये इतना कह रहा है कि ऐसा सीन था कि उस विंडो के सामने से ना ह्यूमन लैब की बिल्डिंग नजर आती थी, तो यानी कि वो जो जगह है ना कहीं ह्यूमन लैब के पास ही होगी। तो चलो गाइस अभी ना जल्दी से हम लोग सीधा उस जगह पर चलते हैं। बाकी ये कहता कि ह्यूमन लैब के अंदर है तो मेरे को समझ आता, बाकी यार ह्यूमन लैब के आसपास ना कोई भी बिल्डिंग नहीं है, तो मेरे को लग रहा है कि यार थोड़ा बहुत ना इसका वहम होगा, पर कोई दिक्कत की बात नहीं यार, अभी ना हमें जल्दी से वहां पर जाना है, अपने पास वैसे बहुत कम टाइम है, फटाफट से वहां पर चलते हैं, और वहां पर अगर हमें कोई भी साइंटिस्ट या फिर कोई भी बॉम्ब डिफ्यूजर मिलता है तो फटाफट से उसे पकड़ कर लाएंगे। फिलहाल यहां पर ट्रैवर सो रहा है तो जल्दी से उठ जा भाई, अभी इतना टाइम नहीं है। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर ट्रैवर अपने साथ चलने से मना कर रहा है, और वैसे भी यार ना ही चले तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इस टाइम पर ना ट्रैवर की थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो गई है। तो चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, फ्रैंकलिन भी तो अपने साथ है, तो अभी ना गाइस फटाफट से मैं निकल लेता हूं सीधा ह्यूमन लैब के लिए, और वैसे भी गाइस अभी मैं बाइक से जाने
जाने वाला हूं, तो ठीक है यार एक ही बंदा चल रहा है ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी भी 100% हमें मालूम भी नहीं है कि यार वही जगह या फिर कोई और जगह है, क्योंकि यार ह्यूमन लैब के आसपास यार कोई भी बिल्डिंग नहीं है, और अंडर वाटर माफिया कह रहा है कि उसके सामने ह्यूमन लैब की बिल्डिंग थी, यानी वो किसी और बिल्डिंग में होगा तभी तो वो कह रहा है सामने बिल्डिंग थी। और यहां पर मैं गाड़ी में क्यों बैठ रहा हूं, इसको बंद करो यार, सॉरी अभी फटाफट से अपनी बाइक में बैठकर हमें यहां से निकलना है। जल्दी से आ जा फ्रैंकलिन, फटाफट से अपनी बाइक में बैठते हैं। ये लॉक्ड है क्या? ओके तो चलो गाइस अभी फिलहाल मैंने अनलॉक कर लिया, फटाफट से फ्रैंकलिन जल्दी बैठ। वैसे भी रात हो रही है इस टाइम पर, रात नहीं हो रही गाइस, अभी ना सुबह के 5 बज चुके हैं और अपने पास ना गाइस अभी 3-4 घंटे और हैं, तो हमें ना गाइस अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से जल्दी वहां पर पता कर आना है क्या सीन है। और अगर बॉम्ब डिफ्यूज नहीं होता तो फिर यार हमें अंडर वाटर माफिया को अलविदा करना पड़ेगा, पानी के अंदर तक ले जाकर छोड़ेंगे ताकि बॉम्ब ब्लास्ट हो तो शहर में कोई भी दिक्कत ना आए। तो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी हार्ले डेविडसन भगाते ह्यूमन लैब के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुका हूं, बस मुझे आगे वाले कट से यूटर्न लेना है और फिर हम लोग पहुंच जाएंगे। वैसे एक काम करता हूं, यूटर्न लेने से बढ़िया ना मैं अपनी गाड़ी को यहीं से पार्क करा लेता हूं, क्योंकि घुमा फिरा के मेरे को वापस यहीं पर आना है, तो यहां से चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी ये फट्टे को भी यहीं पर लगना था। चलो कोई नहीं यार, वैसे भी हम लोग काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, 5 बजे हम लोग घर से निकले थे और अभी सुबह के 6 बज चुके हैं। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, वैसे यार देखो जो भी काम है ना हमें जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा, उतने ही ज्यादा चांसेस रहेंगे अंडर वाटर माफिया को बचाने के, क्योंकि यार अपने पास टाइम की कमी है इस टाइम पर, ताकत अपने पास पूरी है बट टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अभी गाइस जल्दी से मैं बाइक को आगे लेकर चलता हूं और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सीधा ह्यूमन लैब। और मेन रास्ते से मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि हो सकता है सिक्योरिटी या फिर कैमरे लगे हों, तो उन लोग को हमारे ऊपर शक ना हो जाए इसलिए। तो सामने की तरफ में वो जो आप जगह देख पा रहे हो ना गाइस, वही है ह्यूमन लैब। बाकी भी जगह यार मेरे को एकदम शांत लग रही है, बट एक चीज मेरे को समझ नहीं आई, अंडर वाटर माफिया ने बोला था वो जिस भी घर में था ना उसके सामने उसे ह्यूमन लैब नजर आ रहा था, बट यार ह्यूमन लैब के आसपास तो कुछ भी नहीं है, बस 2 बड़े-बड़े माउंटेन है, एक माउंटेन ये हो गया दूसरा माउंटेन ये हो गया, तो यहाँ पर तो यार दूर दूर तक भी कोई भी बिल्डिंग नहीं है, तो मेरे को लग रहा है यार उसे कोई गलतफहमी हुई होगी। फिलहाल पीछे की तरफ में यहाँ पर एक सेकेंड, इधर ना गाइस कुछ अजीब अजीब सी मशीनें लगी हुई है और यहाँ पर एक छोटा सा बेस बना हुआ है, तो यार मेरे को कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। और वो देखो भाई वो क्या चीज है भाई, फ्रैंकलिन भी इस चीज को देख के हैरान हो रहा है, भाई यही कुछ गड़बड़ है मेरे हिसाब से। वो जो आप जगह छोटी सी देख पा रहे हो ना, इसी के अंदर क्या पता उन लोगों ने अंडर वाटर माफिया का रखा हो, जहां तक देखने में लग रहा है तो गाइस मुझे तो यही जगह लग रही है, क्योंकि इसी के अंदर से उसे सामने ह्यूमन लैब नजर आ सकता है, बाकी यहाँ पर ऐसी कोई भी जगह नहीं है। तो गाइस अभी ना जल्दी से हम लोग वहां पर चलते हैं, बाकी यार इधर ना काफी ज्यादा सिक्योरिटी होती है तो हमें थोड़ा सोच समझ के आना पड़ेगा। और ये गिर कैसे गया, सॉरी शायद से इसका पैर फिसल गया होगा, जल्दी से बाइक पे बैठ। अभी ना गाइस एक काम करता हूँ, उधर साइड से जाऊंगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, एक काम करता हूँ पहले मैं अपनी बाइक को उधर लेकर चलता हूँ, उस वाले माउंटेन के ऊपर से चढ़ा के चलते हैं, ठीक है। फिलहाल सामने से एक गाड़ी जा रही है, पहले से जाने दो, वैसे ही वो चले जाएगी, हमें तो उसके पीछे से निकलना, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अभी फटाफट से अपनी बाइक को यहाँ पर मैं लेफ्ट लेता हूँ, जल्दी से राइट लेते हैं, आगे वाले कट से मैं दोबारा से लेफ्ट ले लूंगा, उधर काफी सारी गाड़ियां इधर एक के बाद एक आते रहती है, तो चलो अभी ना गाइस सीधा लेकर चलते हैं, आगे से पता चलेगा हमें क्या करना है। तो ओके गाइस सर अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर इस जगह के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच गया हूं, एक काम करता हूं अपनी बाइक को ना इधर ही कहीं पर मैं छुपा के पार्क कर देता हूं, क्योंकि यार इसका साउंड ना बहुत ज्यादा लाउड है, अगर ज्यादा मैं चलाऊंगा या फिर गलती से मैंने यहां पर रेस दे दी ना तो सीधी सी बात है वो लोग हमारी आवाज सुन लेंगे और फिर थोड़ी बहुत गड़बड़ यहां पर हो जाएगी। वैसे एक अच्छी बात है कि इधर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा जहां तक मुझे पता है, क्योंकि पूरा का पूरा ना जंगल वाला एरिया है। वैसे यार देखो इस जगह को ना देख के तो मुझे 99% लग रहा है कि अंडर वाटर माफिया को ना उन लोगों ने यहीं पर छुपा कर रखा होगा और इधर ही कहीं इसके ऊपर इन्होंने बॉम्ब लगाया। एक काम करता हूं यहां पर ना मैं अपनी स्नाइपर से स्कोप करके ना एक बारी चेक कर लेता हूं कि इधर क्या सीन है। वैसे सिक्योरिटी तो इधर मेरे को काफी ज्यादा नजर आ रही है बट ढंग से नहीं आ रही है, देखो एक बंदा इधर खड़ा हुआ है, बाकी इधर ना काफी सारे खतरनाक से वेपन है और वो देखो वो तो यार इस तरफ में देख रहा, पीछे हो जाओ, अगर उसने देख लिया ना गाइस काफी ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करता हूं पहले ना थोड़ा सा पीछे चलता हूं ताकि मैं स्नाइपर से देख लूं बट वो लोग मुझे ना देख पाए, ठीक है। तो ये जगह मेरे को थोड़ी बहुत सही लग रही है, तो यहां पर से खड़े होकर ना एक बार अच्छे से देखते हैं कि आखिरकार इधर क्या सीन है। ये लोग बस ना हमें देख लेंगे तो ही दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यार यहां पर काफी सारे हेलीकॉप्टर भी है, ये बेस बना कब यार? वैसे मैं ह्यूमन लैब ना आए हुए काफी टाइम हो गया और जब भी मैं आता था ना पीछे से ही निकल लेता था, शायद से उसी के पीछे वाला बेस बन गया हो। और इधर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जो कि इन्होंने हटा दिया, भाई पता नहीं क्या ही करे जा रहे हैं मिलिट्री वाले। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं गलती पता है क्या कर रहा हूं, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और मैं पूरा का पूरा यहां पर टाइम वेस्ट कर रहा हूं, इससे बढ़िया यहां पर इन लोग को मारता हूं और सीधा जो मेन बंदा है ना जो बॉम्ब डिफ्यूज कर सकता है उसको लेकर यहां से निकलते हैं। फिलहाल इसको तो मैंने मार दिया, एक बंदा ये रहा, इसके भी मैंने बजा दिया, निकल यहां से, रुक जाओ अभी ना आगे चलकर हम लोग इसके बजाने वाले हैं। तो जल्दी से आजा फ्रैंकलिन, फटाफट से वहीं पर चल के इनका मुंह तोड़ेंगे, भाई यहां पर ना ऑलरेडी काफी सारे बंदे हैं तो इसको भी मैंने मार दिया और नीचे की तरफ में भी काफी सारे बंदे, ओ ओ यहां से फाइट नहीं लेनी चाहिए थी। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल फ्रैंकलिन में
भाग कर दूसरी साइड से आ गए हैं और यहाँ पर यार सोल्जर्स भी अपना दिमाग लगाना शुरू कर रहे हैं भाई, अलग अलग साइड से ये लोग आ रहे हैं। बाकी तो फ्रैंकलिन ने भी दबा के इनकी गोलियां बजा दिया है। अभी फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, ये लोग चलाएंगे अपना M4 और मैं चलाने वाला हूँ अपनी स्नाइपर, आती रिप निकल यहाँ से। अभी फिलहाल इसके मैंने मार दी, नीचे से भी काफी सारे बंदों ने आना शुरू कर दिया। आ जाओ कोई दिक्कत की बात नहीं, निकल यहाँ से, एक और बजाओ, तू भी निकल। भाई क्या ही गलत मैं इनके बजा रहा हूँ। अभी फिलहाल यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने सबको मार दिया है, अपनी M24 ने निकाल के जो 4-5 बंदे बचे उनको भी मारता हूँ। तो गाइस अभी ना फिलहाल मेरे हिसाब से यहाँ पर सारे के सारे बंदे मारे जा चुके हैं, तो गाइस अभी ना जल्दी से हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, फिर देखते हैं क्या सीन है। फिलहाल सामने की तरफ में ना मेरे को एक बंदा तो नजर, ओ भाई एक नहीं, यहाँ पर तो काफी सारे बंदे हैं। रुक जाओ, अभी ना इनके दबा की गोलियां पड़ेगी तो इनको समझ आएगा। बाकी यार यहाँ पर वो लोग ने भी सीधा स्प्रे देना शुरू कर दिया, बट कोई नहीं बेटा मैं वहीं पर आ रहा हूँ, फिर करेंगे एकदम मस्त वाला बराबरी का मुकाबला। तो यहीं कहीं से कोई मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था, बट शायद से ना उसकी एक आध गोली पड़ गई है, इसी वजह से ना वो गिर गया। तो चलो यार अभी ना जल्दी से आगे चलते हैं। फिलहाल फ्रैंकलिन तू पीछे की तरफ में रुक, मेरे को मतलब कि लोकेशन देते रहियो, और अगर भागने को हो तो सीधा बाइक लेकर आ जाइए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखते हैं यार फ्रैंकलिन अपने साथ आता है कि नहीं आता। फिलहाल अभी ना गाइस जल्दी से मैं अपनी यहाँ पर चढ़ता हूँ, बाकी मेरे को नहीं लगता इधर और बंदे हैं। तो गाइस अभी ना बस जल्दी से मेरे को इस वाले रूम के अंदर जाना है। बाकी एक बंदा यहाँ पर और था और इधर आने की कोशिश कर रहा था। ओ भाई इधर एक नहीं, यहाँ पर तो काफी सारे बंदे। रुक जाओ यहाँ पर कुछ ज्यादा ही गलत सीन है। तो 4-5 बंदे हो रहे, काम करता हूँ इनको भी मार के ना यहाँ पर इनका खेल में खत्म कर देता हूँ। बाकी तो यार यहाँ पर 4-5 नहीं, एक के बाद एक इधर नीचे से निकले जा रहे हैं। शायद से ना गाइस यार नीचे इनका घर वर है, और वो देखो भाई उधर हेलीकॉप्टर क्रैश हो रखा है और वो उसके पीछे छुपने के लिए भाग रहा है। वाओ, तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर हमने सारे के सारे बंदे मार दिए हैं, और गाइस अब बारी है जल्दी से ना इस वाले रूम के अंदर चल के चेक करने की कि आखिरकार इसी रूम में इन लोगों ने अंडर वाटर माफिया को छुपा रखा था या फिर किसी और रूम में। बाकी यार अभी ना अंदर से मेरे को किसी ना किसी के चिल्लाने की तो आवाज आ रही है, वो देखो सामने की तरफ में एक बंदा था। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं एकदम आराम से अपने कदम आगे बढ़ाता हूँ। फिलहाल वो देखो सामने की तरफ में एक बंदा और खड़ा हुआ तीर ऐसे की तरफ से, निकल यहाँ से। तो चलो अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने मार दिया, और बाकी पीछे भी मेरे को तुरंत इसकी आवाज आ गई, पीछे ये बंदा भी बैठा हुआ था। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, तो शायद से ये वही वाला रूम है जिसके अंदर ये लोग अंडर वाटर माफिया को छुपा के रखते थे। और ये देखो यार ये चेहरा जिसके ऊपर शायद से इन लोगों ने उसे बांध रखा होगा, बाकी यार इधर ही वो अपना खाता पीता और रहता होगा। वैसे यार ये जो जगह है ना काफी ज्यादा अजीब सी है, यहाँ पर एक कंप्यूटर है जो कि ऑन पड़ा हुआ है, पता नहीं इसके अंदर क्या चल रहा है। फिलहाल इधर काफी सारे बॉम्ब है, और ये कौन है? तो ओके यही है वो बंदा जिसके चिल्लाने की आवाज आ रही थी, उठ तेरी ऐसी की तैसी। तो गाइस अभी ना फिलहाल ये बंदा हमसे काफी ज्यादा डर चुका है, लेकिन अभी मैं इसे बहुत ही बुरी तरह कूटने वाला हूँ, सिर्फ इस बात के लिए कि इसने बॉम्ब बनाया क्यों। तो चलो भाई अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इसे मार मार के इसका भूत बना दिया, और इसने भाई साहब कैसे आर्मर पहन रखे हैं, इसके मुंह पे घुसा मारना पड़ेगा वरना इसके बिल्कुल भी चोट नहीं लगने वाली। तो बेटा चुपचाप से मार सा, चले रुक जाओ इसकी भैंस की डांग। अभी हमारी बात, भाई साहब यहाँ पर जान तो इसके अंदर बहुत ज्यादा दिखेगा, तेरी भैंस की रुक, अब इसकी पड़ेगी रख रखे। अभी तक इसने देखा नहीं था ना हमारे पास गन भी है, इसकी पूरी आर्मी यहाँ पर फिट चुकी है। तो गाइस अभी ना जल्दी से इसे लेकर चलते हैं, और यही बंदा है जो कि बॉम्ब डिफ्यूज कर सकता है। तो फ्रैंकलिन उठा ले इसे जैसे उसको उठाया था। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इसे अपने साथ चलने के लिए बोल दिया, वरना यूं इसके मत्थे पे गोली पड़ेगी। वैसे जो बंदा है ना काफी ज्यादा डरपोक है, लेकिन वो जो बॉम्ब का काम है ना गाइस वो इसी ने करा था, ये खुद कह रहा है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से इसे अपने साथ लेकर यहाँ से निकलते हैं। बाकी मेरे हिसाब से भी यहाँ पर पुलिस भी आती होगी, उससे पहले हम लोग यहाँ से निकल लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे जो जगह है ना काफी ज्यादा बढ़िया है, तो भी ना गाइस जल्दी से इस गाड़ी में बैठते हैं, और कहां पर रहेगा भाई फ्रैंकलिन, जल्दी से लेकर आओ उसे। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, बिना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर काफी ज्यादा आगे पहुंच गया हूं, और इस टाइम पर ना यार मेरे को पुलिस वालों से ना बच के रहना है, क्योंकि अगर पुलिस वालों को पता चल गया कि हमने ही वहां पर पूरा का पूरा कांड करा है, तो सीधी सी बात है वो लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। और इस टाइम पर ना अपने पास बिल्कुल भी फालतू टाइम नहीं कि हम लोग पुलिस वालों से भी पीछा छुड़ाए और अंडर वाटर माफिया के पास भी पहुंचे और बॉम्ब डिफ्यूज करवाए। तो अभी ना हमें सारे काम साइड रखकर फटाफट से अपनी गाड़ी लेकर भागना है सीधा अंडर वाटर माफिया के पास। वैसे ही जो रेलवे ट्रैक है ना मेरे को लग रहा है यहाँ से हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, बट इधर ना अपनी गाड़ी बहुत कम स्पीड में चल रही है, इससे बढ़िया से हाइवे पर लेकर चलता हूँ, वही ज्यादा बेटर रहेगा। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर लॉस सैंटोस पहुंच चुका हूँ, बट यार दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पर ना गाइस जगह जगह काफी ज्यादा चेकिंग चल रही है। तो एक काम करता हूँ अपनी गाड़ी ना गाइस यार यहीं पर मैं छुपा कर खड़ी कर देता हूँ, फटाफट से इस वाली गाड़ी में आ जाओ, क्योंकि अगर उन लोगों ने हमें देख लेना है इस गाड़ी में तो सीधी सी बात है बहुत ज्यादा गड़बड़ होने वाली है। तो फटाफट से दोनों गाड़ी में बैठे, और ये जो बंदा है ना हमारी बात एकदम सही तरीके से मान रहा है, क्योंकि इसको पता है जैसे ही बात नहीं मानेगा फ्रैंकलिन सीधे इसके मथे पे गोली बजा देगा। तो चलो गाइस फाइनली सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को एकदम पतली गली से भगाते लेकर पहुंचने वाला हूं सीधा अंडर वाटर माफिया के पास। और बीच रास्ते में ना गाइस हम लोग ने अपनी गाड़ी भी चेंज कर ली थी, क्योंकि वो जो गाड़ी है ना गाइस वो मिलिट्री वालों की थी, तो सीधी सी बात है ये लोग हमारे ऊपर शक कर सकते थे। बाकी यार अभी ना शक ले तो ये लोग जानते हैं कि इन्होंने वहां पर कांड करा है, तो अभी ना फिलहाल इधर तो कोई नहीं है ना, तो चलो ये जगह सेफ है,
फटाफट से अपनी गाड़ी यहाँ पर आगे लेकर चलता हूँ। भाई अगर इन लोगों ने देख लिया ना तो सीधी सी बात है अपने ऊपर ही मुसीबत आने वाली है। अभी ने कहा हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है तो हम लोग थोड़ा सबर से भी काम कर लेंगे चलेगा, बट अगर पुलिस पकड़ लेगी ना तो ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो भी जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं यहाँ पर घुमाता हूँ, बाकी गूगल मैप्स देख कर ही चलूँगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे गूगल मैप्स ने एकदम मेन रोड से ले आ रहा है जहाँ पर पुलिस वाले बहुत ज़्यादा ही घूम रहे हैं। तो सामने की तरफ में एक गाड़ी खड़ी हुई है और इधर ना गाइस अभी कोई भी रास्ता नहीं है, तो जल्दी से मैं यहीं से निकल लेता हूँ, ये ज़्यादा बढ़िया रोड है। फटाफट से अपनी गाड़ी यहाँ पर मोड़ता हूँ। ओ भाई यहाँ पर उसके सामने ही मैंने इसे ठोक दिया, काश यार वो मेरे पे शक ना करे। तो चलो गाइस यार फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सीधा वेस्पसी बीच वाले अपने घर पर। तो फटाफट से गाइस अपनी गाड़ी को यहाँ पर मैं अंदर लेकर चलता हूँ, इधर ही पार्क करते हैं और अभी जल्दी से ना इस बंदे को सीधा ऊपर लेकर चलते हैं। चल भाई साथ आजा फटाफट से, कहाँ पर आइए इसकी भैंस की टांग, इधर आ जल्दी 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 भाग कर आजा। तो चलो यार अभी ना जल्दी से ऊपर लेकर चलते हैं और अंडर वाटर माफिया के पीठ पर से वो जो बॉम है उसे डिफ्यूज करवाते हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं इस बंदे को लेकर आ गया हूँ सीधा अपने रेंट वाले हाउस पर। बाकी यार इधर ये वेल्डिंग की आवाज कहाँ से आ रही है, एक सेकेंड, लेस्टर और बैनी पहले इधर थे कहाँ पर चले गए, ओके तो वो सामने वाली बालकनी में है। और एक सेकंड यहां पर ये ट्रेवर भाई साहब, तो गाइस यार अच्छा हुआ कि हम लोग सही टाइम पर पहुंच गए, हमने ट्रेवर को वेल्डिंग करने से रोक दिया, वरना यार ये बॉम्ब को डिटैच करने के चक्कर में बॉम्ब की कोई टेढ़ी-मेढ़ी वायर काट देता ना तो और लेने के देने पड़ जाते, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए। और वो देखो भाई लेस्टर और बैनी अपना बाहर खड़े होकर पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल ये बंदा कह रहा है कि जो भी ये बॉम्ब बनाता है ना अगर उसको एक बार स्टार्ट कर दिया जाए तो उसको डिफ्यूज करना इंपॉसिबल है, यहां तक कि ये खुद नहीं डिफ्यूज कर सकता तो सीधी सी बात है यार इसे कोई भी डिफ्यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन गाइस यार एक सेकंड, अगर ये डिफ्यूज नहीं कर सकता कम से कम इसे डीअटैच तो कर सकता है बिना ब्लास्ट करे, तो एक बार इससे बात करते हैं देखते हैं क्या कहता है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर ये बंदा अंडरवाटर माफिया को लेकर दूसरे वाले रूम में आ चुका है और यहां पर आकर इसका ये बॉम्ब को डीअटैच करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यार ये डिफ्यूज तो हो नहीं सकता। बाकी ये कह रहा है कि ज्यादा टाइम तुम्हारे पास नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ एक घंटा और बाकी है और अभी पता नहीं यार कितना टाइम यहां पर डीअटैच करने में लगने वाला। और ओ भाई साहब यहां पर ये ओ तेरी भैंस की टांग, यहां पर पुलिस वाले कहां से आ गए, ये क्या हुआ भाई। चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, तेरी भैंस की टांग हमें मारेगा, मार इसकी भैंस को। भाई साहब नीचे से भी काफी सारे बंदे आ गए हैं, अभी ना गाइस जल्दी से मैं सीधा नीचे चलता हूँ, भाई ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। और अभी ना फिलहाल वो ना भाग जाए, वैसे वो भागेगा नहीं उसको भी पता क्योंकि अगर वो हमारे हाथों लग गया ना फिर बहुत ही बुरी तरह मरने वाला है। अभी ना फिलहाल यहाँ पर इन सबको मारना है, बहनी तू भागने की कोशिश मत कर ऊपर चल ले सीधा। और बाकी ये लेस्टर आके कैसे गिरा, अंदर से भी बंदे आ गए क्या, ओके तो यहाँ पर सामने से आ रहा है। ओ भाई साहब तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल हम लोग इधर काफी सारे बंदे मार चुके हैं। और गाइस मैं पता क्या कर रहा हूँ, इधर ना किचन में एक विंडो है जहां से ना जो सीढ़ी है ना वहां का रास्ता दिखता है, तो जो भी ऊपर आता है ना उसको मैं ऊपर आने से पहले ही मार सकता हूं यहां से। बट अभी ना फिलहाल जैसे ये आया तो यहां पर इसके मैंने एकदम रख के बजा दी। लेकिन गाइस यार अभी ना फिलहाल इन लोगों ने हमें चारों तरफ से बहुत ही बुरी तरह घेर लिया है। बाकी यहां पर एक बंदा शायद से और अंदर आने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही करके अंदर आएगा। यहां पर अभी फिलहाल इसको मैंने मार दिया, एक और आ गया, वाओ। तो चलो अभी जल्दी से ना गाइस सबसे पहले बाहर निकलता हूं, यार गेट खुलना भी मुश्किल हो गया, इतनी सारी इनकी बॉडी हो गई है। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर इन लोग का कुछ ज्यादा ही हो गया, चारों तरफ से इन्होंने हमें घेर लिया है। अभी फिलहाल मेरे को बहुत ज्यादा खुंदक चढ़ गई, अब आओ बेटा तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो गाइस अभी ना फिलहाल मैं भाग कर सीधा ऊपर वाले फ्लोर पर आ गया हूं और एक केरा, अब आओ बेटा सारे के सारे मेरे से बहुत ही बुरी तरह मरने वाले हो। नीचे की तरफ में देखो यार यहां पर कितनी सारी पुलिस वालों की गाड़ी आ गई है लाइन से, सबने यहां पर अपनी पूरी पूरी फोर्स बैठा रखी है। तो गाइस जैसे ये बॉम्ब डिफ्यूज होगा ना हमें यहां से जल्दी भागना पड़ेगा वरना फिर बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी तो मैं आराम से ऊपर रहकर संभाल लूंगा। तो ओके गाइस यार फाइनली पूरे के पूरे एक घंटे के बाद उस बंदे ने वो जो बॉम्ब है अंडरवाटर माफिया की बैग से डिटैच कर दिया है। और गाइस अभी ना जल्दी से हमें उस बॉम्ब को लेकर किसी ऐसी जगह पर जाना पड़ेगा जहां पर वो ब्लास्ट हो जाए बट किसी को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। अब यार देखो उसको ब्लास्ट होने से तो हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन अगर इन लोग को पता चल गया ना कि वो बॉम्ब हमारे पास है तो भाई फिर बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, या फिर अगर इन्हें ये भी पता चल गया कि अंडरवाटर माफिया को हमने ही रेस्क्यू करवाया था तो भी बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अभी फिलहाल इन लोग को बस इतना पता है कि हमने ना उस वाले ह्यूमन लैब के बेस से सिर्फ उस बंदे को किडनैप करा है इसलिए इतनी सारी पुलिस आ रही है। तो गाइस अभी ना बस हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर जितना भी रास्ता है ना पहले से साफ करना है और उस बॉम्ब को लेकर यहाँ से निकलना है और अंडरवाटर माफिया को भी छुपा के रखना है। मतलब गाइस अभी बहुत ज्यादा गलत सिचुएशन है, अभी कुछ भी करके ना सबसे पहले मैं रास्ता साफ करता हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो सामने इतना बड़ा समुद्र है ना उसी के एकदम पानी के अंदर ले जाकर उस बॉम्ब को रख देते हैं, वहां ब्लास्ट होगा तो ज्यादा किसी को भी फर्क नहीं पड़ने वाला और इतना ज्यादा भी ब्लास्ट नहीं हो जाएगा कि यार पूरा का पूरा शहर ही हिल जाए। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल काफी सारी गाड़ियां आ चुकी है, फटाफट से यहाँ पर मैं जितनी भी बॉम्ब लगाए थे मैं सबको ब्लास्ट कर देता हूँ।
बाकी तो यार यहाँ पर इन नॉर्मल बॉम्ब से पूरा का पूरा यहाँ पर ऐसा लग रहा है शहर हिल गया है, बट अभी तो फिलहाल ये कुछ भी नहीं था। भी जल्दी से मैं चलता हूँ सीधा नीचे वाले फ्लोर पर, बाकी बड़ी बुरी तरह कर रहा हूँ, अभी फटाफट से जल्दी सीधा अंदर। तो चलो गाइस फाइनली ये जो बॉम्ब है वो अंडरवाटर माफिया से डिटैच हो चुका है, और गाइस अभी ना बातें करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी से इस बॉम्ब को मैं लेता हूँ और फटाफट से फेंक कराता हूँ सामने वाले सी में। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने फ्रैंकलिन को निकलने के लिए बोल दिया, नीचे जो गाड़ी खड़ी है ना उसके अंदर ये सारे के सारे बैठ कर अपना यहाँ से निकल जाएंगे। अब यार देखो इनको पहले जाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस अभी ना थोड़ा बहुत मामला शांत है और अंडरवाटर माफिया को भी ना हमें छुपा कर रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि मिलिट्री वाले उसे ढूंढ ले। और जो बॉम्ब है ना गाइस वो मैंने अपने हाथ में ले लिया है, फटाफट से ट्रेवर और मैं इस बॉम्ब को लेकर यहाँ से जाने वाले हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल फ्रैंकलिन वगैरह सब अपना गाड़ी में बैठ चुके हैं, बाकी अच्छी बात तो है कि पुलिस वालों का जो मामला थोड़ा बहुत ठंडा पड़ गया। अभी फटाफट तुम लोग यहाँ से निकल लो, अभी जल्दी से मैं भी यहाँ से निकल लेता हूँ सीधा उस बॉम्ब को लेकर, हट जा ट्रेवर वहाँ से। तो चलो गाइस अभी फिलहाल ये लोग अपना जा रहे हैं, और गाइस अगर मैं बीच रोड से आऊँगा थोड़ी बहुत गड़बड़ जाएगी, एक काम करते हैं पीछे पीछे ना गली की तरफ से चलते हैं, हमें कोई देख भी नहीं पाएगा। वैसे यार ये जो बॉम्ब है ना मेरे को देखने में काफी ज्यादा भारी लग रहा है, यार कोई पुलिस वाला इधर तो नहीं ना? चलो ठीक है यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला नहीं है, मैं तो सोच रहा हूँ गाड़ी में बैठ कर जाऊँ, बट यार कोई दिक्कत नहीं, पैदल जाएंगे सीधा पानी के बीच में ले जाकर इस बॉम्ब को फेंकेंगे। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं बॉम्ब को लेकर भागता भागता बीच पर तो आ चुका हूँ, बट यार अभी ना मेरे को यहाँ पर कोई भी बोट या फिर कोई भी जेट्स की नजर नहीं आ रही, और अगर मैं स्विम करके जाऊंगा इस बॉम्ब को डालने तो भाई कोई भी चांसेस नहीं है कि मैं बचकर वापस आ जाऊँ। फिलहाल सामने की तरफ ना यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है, जल्दी से ना इस वाली गाड़ी के अंदर बैठता हूँ। ये ट्रेवर कहाँ पर रहेगा भाई, एक सेकंड, वो रहा ट्रेवर। तो ट्रेवर जल्दी से आके गाड़ी में बैठ। गाइस बगल में ही ना एक हेलीपैड है, वहां पर जाकर ना कोई अगर हेलीकॉप्टर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, तो फटाफट से ना उस हेलीकॉप्टर में बैठकर हम लोग यहाँ से निकल लेंगे और एकदम सी के बीच में ले जाकर बॉम्ब ड्रॉप कर देंगे। और वैसे हेलीकॉप्टर ही ज्यादा सेफ रहेगा क्योंकि कोई चांसेस नहीं है, मान लो अगर हम लोग बोट से भी जाते हैं और बॉम्ब को डाल देते हैं पानी में तो अभी कुछ इसका टाइम भी नहीं पता भाई, मेरे हिसाब से तो बस 10-15 मिनट और रह गए हैं, और जिस बंदे ने डीअटैच करा था ना वो भी कह रहा था कि तुम्हारे पास बस 15 मिनट और है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से सीधा मैं चलता हूँ हेलीपैड वाली जगह पे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते उसी जगह पर पहुंचने वाला हूँ, बस यार काश हमें यहाँ पर हेलीकॉप्टर मिल जाता। चलो यार हेलीकॉप्टर यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक सेकंड रुक जाओ, इसकी ऐसी दसी बस ये भागे ना तेरी भैंस की टंग बाहर निकल जल्दी से। तो चलो गाइस अभी फिलहाल सही टाइम पर मैंने इसके एकदम भर के गोलियां बजा दी, अभी जल्दी से मैं बैठता हूँ सीधा हेलीकॉप्टर के अंदर और फटाफट से इसे लेकर चलते हैं। जल्दी जल्दी ड्राइवर जल्दी बैठ, अपने पास यार अभी ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है भाई, पता नहीं यार ये जो बॉम्ब है ना कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, तो भी फटाफट से यार इसे लेकर निकलते हैं। और ये राइट साइड में यार सी मेरा भी दिमाग अभी क्या ही चल रहा है यार, तो भी जल्दी चलते हैं सीधा सामने की तरफ में। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मैं अपने हेलीकॉप्टर को लेकर शहर से काफी ज्यादा दूर आ चुका हूँ, और मेरे हिसाब से ना गाइस अभी मुझे इस बॉम्ब को यहाँ पर पानी में ड्रॉप कर देना चाहिए क्योंकि यार अभी ज्यादा टाइम भी नहीं बचा, वरना मैं इसे और भी ज्यादा दूर ले जाता, और वो सामने की तरफ में कोई आइलैंड है। चलो यार अभी टाइम नहीं है, बाद में कभी चलेंगे, अभी फटाफट से बॉम्ब को फेंक देते हैं। तो चलो गाइस यार टाइम आ चुका है इस बॉम्ब को यहाँ से सीधा नीचे फेंकने का। तो चलो गाइस फाइनली बॉम्ब को मैंने नीचे ड्रॉप कर दिया है, बाकी तो अभी काफी ज्यादा टाइम तो इसे नीचे जाने में लग जाएगा क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा इस टाइम पर ऊंचाई पे फ्लाई कर रहे हैं। देखते हैं यार ये कैसे ब्लास्ट होता है, अभी एकदम नीचे तक जाएगा उसके बाद ये ब्लास्ट होगा। तो गाइस यार मेरे हिसाब से जो बॉम्ब है ना वो पानी के काफी ज्यादा अंदर जा चुका है। ओ भाई साहब ये क्या था? तो भाई ये जो ब्लास्ट है ना मेरे को पता था बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, आप लोग को याद होगा कुछ इसी टाइप का ब्लास्ट एक बार ही लॉस्ट गैंग के वहां भी हुआ था भाई, पानी के छींटे इतनी ज्यादा ऊंचाई तक आ गए, मतलब एक बार को अगर आप सामने की तरफ में देखोगे ना तो वो है मेज बैंक टावर की बिल्डिंग, तो सोचो पानी इतनी ज्यादा ऊंचाई तक आया है और बॉम्ब कितनी ज्यादा नीचे गया होगा। अगर यही बॉम्ब हम लोग सिटी में फोड़ देते तो भाई मेरे हिसाब से आधी सिटी में छेद हो जाता। चलो गाइस जो भी अच्छी बात है बच गए सारे के सारे लोग, अभी फिलहाल अंडरवाटर माफिया को भी हमें बचा कर रखना पड़ेगा क्योंकि पुलिस वालों का कुछ पता नहीं, अभी सारी की सारी पुलिस ना उसी की तलाश में लग गई होगी। अभी जहां तक यार बॉम्ब की आवाज़ तो पूरे के पूरे शहर ने सुन ली होगी, तो सबको पता चल गया होगा बॉम्ब इधर ही ब्लास्ट हुआ है। तो एक काम करते हैं हम लोग सबसे पहले अपने हेलीकॉप्टर को लेकर यहाँ से निकलते हैं ताकि हमारे ऊपर किसी को भी शक ना जाए। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपने हेलीकॉप्टर को लेकर सीधा लेस्टर के न्यू वाइनवुड वाले हाउस के लिए जा रहा था, बट अभी अभी ना मेरे को उसका कॉल आया और गाइस वो कह रहा है कि वो लोग वहां पर नहीं है, वो किसी दूसरे न्यू सीक्रेट बेस के अंदर छुपे हुए हैं, क्योंकि यार सीधी सी बात है वहां पर पूरी की पूरी स्वैट सोल्जर टीम ने अटैक करा था, तो उन लोग को पता होगा कि हम लोग यहाँ पर दोबारा से आ सकते हैं, तो वहां पर जाना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। तो अभी ना गाइस जल्दी से मैं दूसरे न्यू सीक्रेट बेस पर चलता हूँ। वैसे लेस्टर ने मेरे को वहां की लोकेशन तो भेज दिया जहां पर वो लोग छुपे हुए हैं, तो हाँ भाई ये बिल्कुल वही लोकेशन है। तो चलो गाइस अभी ना जल्दी से यहाँ पर चलते हैं। वैसे यार लेस्टर के पास ना भाई ये न्यू सीक्रेट बेस कहाँ से आते हैं? आते कहीं से नहीं है भाई, वो पहले से उसने बहुत सारे बना के रखे हुए हैं, जरूरत पड़ने पर वो हमें वहां पर लेकर जाता है। अभी भी पता नहीं उसके पास कितने सारे न्यू सीक्रेट बेस होंगे। वैसे ये सीक्रेट बेस है या फिर कोई
सीक्रेट बंकर। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल फटाफट से मैं अपने हेलीकॉप्टर को यहीं पर लैंड करवा देता हूं, क्योंकि यार यहां पर आसपास कोई हेलीपैड तो है नहीं और वैसे भी यहां पर अपने हेलीकॉप्टर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला। तो चलो गाइस अभी फटाफट से मैंने अपने हेलीकॉप्टर को यहीं पर लैंड करवा दिया है और गाइस अभी ना जल्दी से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार लेस्टर का न्यू सीक्रेट बेस कैसा है। भाई वैसे देखने में जो जगह है ना काफी ज्यादा अलग सी है, अभी तक जो बेस थे वो थोड़े अलग साइड पर था, ये थोड़ा अलग साइड पर है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से इसके अंदर चलते हैं। बाकी यार यहाँ पर ये खुला है क्यों नहीं, एक सेकंड, ये वाला शटर शायद से लॉक हो रखा है, पता नहीं यार शायद से ना एंट्रेंस आगे से होगी जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी यार एक सेकंड, नहीं नहीं ये वो जगह नहीं है जो लेस्टर ने हमें जगह दी थी, वो ये वाली है। तो एक सेकंड अभी ना जल्दी से चुपचाप से मैं अंदर चल कर देखता हूँ एक बार, ये है कि ओके। तो चलो गाइस ये लेस्टर का न्यू सीक्रेट बेस। बाकी यार यहाँ पर ये जितना भी सामान है आप देख पा रहे हो ना, ये लेस्टर के सारे पुराने वाले घर का है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से अंदर चलते हैं। फिलहाल यहाँ पर अंडरवाटर माफिया, लेस्टर और फ्रैंकलिन तीनों के तीनों यहीं पर है। और ये कैसा ड्रोन है, ओह भाई साहब पुलिस वालों का ड्रोन। तो चलो गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो गई है और गाइस लेस्टर कह रहा है कि हमें ना कुछ भी करके जल्दी से जल्दी अंडरवाटर माफिया को सैन एंड्रियास सिटी से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ ही देर में पूरी की पूरी सिटी में कर्फ्यू लग जाए जिसमें कि बहुत ज्यादा चेकिंग बढ़ जाएगी और फिर अंडरवाटर माफिया को पूरे पूरे दिन इसी एक कमरे में बंद रहना पड़ेगा। ये बाहर निकलेगा तो सीधी सी बात है पुलिस वाले से ढूंढ लेंगे और फिर हम लोग भी फंस जाएंगे और ये भी फंस जाएगा। तो इतनी मुश्किल से बचाया है तो हम लोग ऐसा दोबारा रिस्क नहीं उठाना चाहते, तो सीधी सी बात है यार अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने लेस्टर को बोल दिया कि यार जल्दी से जल्दी कोई ना कोई प्लान बता कि जिसके थ्रू हम लोग सेफली से बाहर निकाल दे और किसी को हमारे ऊपर शक भी ना जाए। बाकी तो यार आप लोग यहां पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो कि ये वही मिलिट्री वाला बंदा है जिसने बॉम्ब को डिटैच करा है। बाकी तो यार ये जो जगह है ना, मैं आपको इस जगह के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। तो मान लो अगर हमें मिलिट्री वाले को कोई भी मैसेज पहुंचा रहा है ना, तो हम लोग यहां पर ये जो मास्क है ना इसको पहन के यहां पर साफ साफ बोल देंगे। और अभी ना लेस्टर ने उन्हें धमकी भेज दिया है कि तुम लोग इन्हें बचाना चाहते हो तो ये कर्फ्यू वर्फ्यू बंद कर दो, हम लोग इसे नॉर्मली छोड़ देंगे। अब बाकी यार देखते हैं उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आता है। और पीछे की तरफ में आप लोग यहां पर देख पा रहे हो काफी सारे मॉनिटर्स लगे हुए हैं जिसके अंदर सीक्रेट सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जा रही है। तो मतलब कि यार ये वाला जो बेस है ना, ये अभी तक का सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर वही सारा का सारा सामान आया है जो कि लेस्टर के पुराने वाले घर में होता था। तो यहां पर ये देखो, ओ भाई साहब इसके अंदर तो काफी तगड़े तगड़े मॉनिटर वगैरह लगे और शायद से कोई हैकिंग चल रही है। और इधर ओके, तो ये शायद से मेरे को लग रहा था बाथरूम है, बट यहां पर भी कुछ ना कुछ लैपटॉप वगैरह रखे हुए हैं। तो यार सच्ची में ये वाला बेस बहुत ही तगड़ा बनाया है लेस्टर ने, काफी सारे कंप्यूटर काफी सारे मॉनिटर है और फ्रैंकलिन भी धीरे धीरे इन सब चीजों में घुस रहा है, चेकिंग कर रहा है कि कैसे कैसे काम होता है, मतलब वो भी सीख रहा है कि हैकिंग कैसे करी जाती है। बाकी यार इस तरफ में देखो भाई बहुत कुछ यहाँ पर चेंज हो चुका है यार। तो यार देखो जो भी चीज है ना बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो गाइस अभी ना जल्दी से एक बारी मैं लेफ्ट की तरफ में ना ये भी चेक कर लेता हूँ मेरे को यहाँ पर ओके। तो ये भी सीसीटीवी कैमरे के मॉनिटर है और नीचे की तरफ में यहाँ पर एक और लॉकर है, शायद उसके अंदर भी पैसा वैसा होगा। और यहाँ पर एक सीक्रेट डोर है और ये लेस्टर ने लॉक कर रखा। भाई सच्ची में लेस्टर कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो रहा है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से सीधा उसके पास चलते हैं और बात करते हैं कि कोई प्लान बना या फिर नहीं। तो चलो गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो गई है और गाइस लेस्टर ने ना इस टाइम पर अंडरवाटर माफिया के फेस पर ये मास्क पहना दिया है ताकि बाहर से कोई भी पहचान ना पाए। और गाइस अभी ना लेस्टर कह रहा है कि ना तुम एक लोकेशन पर जाओ, वहां पर वो एवेंजर जेट खड़ा हुआ है जिसको मिलिट्री कर्नल काफी टाइम से ढूंढने की कोशिश कर रहा है और अगर उसे वो मिल गया ना तो सीधी सी बात है हम ही लोग बहुत ही बुरी तरह फंसने वाले हैं। तो अभी ना फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि तुम जल्दी से उस वाले प्लेन को लो और साथ में अंडरवाटर माफिया को लो और उस शहर से निकल जाओ। मतलब कि गाइस हमें क्या करना है, अंडरवाटर माफिया को नॉर्थ एंगटन छोड़कर आना है। लेस्टर कह रहा है कि ना तुम पूरा शहर से बाहर मत जाना, बॉर्डर पे से छोड़ देना, क्योंकि सैन एंड्रियास सिटी के अंदर ही खतरा है, उसके बाद खतरा नहीं है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से लेकर चलते हैं। बाकी यार अभी ना मैं हेलीकॉप्टर से जाने नहीं वाला, इतनी सी दूर जाने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर अंडरवाटर माफिया भी भाग कर इस बेस के बाहर आ चुका है। वैसे ये बेस नहीं है, ये एक छोटा सा रूम है, तो लेकिन हम इसे सीक्रेट बेस ही कहने वाले हैं। तो चलो गाइस अभी ना जल्दी से मैं एक गाड़ी का जुगाड़ करता हूं और फटाफट से गाड़ी लेकर निकल लेते हैं सीधा उसी जगह पर जहां पर लेस्टर ने उस हेलीकॉप्टर को छुपा रखा। तो फटाफट बाहर आ जा भाई। तो चलो, और वैसे मैंने मास्क नहीं लगा रखा, अभी जल्दी से यार मैं भी एक मास्क ला लेता हूं सबसे पहले। और मेरा मंकी वाला मास्क, चलो कोई नहीं वो रह गया होगा पीछे ही। अभी फटाफट से गाड़ी में बैठा, इतना टाइम नहीं है। बाकी गाड़ी का साउंड कितना ज्यादा मस्त था यार। तो चलो यार अभी जल्दी से इस गाड़ी को लेकर चलते हैं सीधा उसी जगह पर। वैसे लेस्टर ने कहा था बहुत तगड़ी जगह छुपाया, तो अभी चल कर देखते हैं कैसी जगह है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर उसी जगह पर पहुंचने वाला हूं। एक तो यार मैं अपनी गाड़ी जो है ना उसे उल्टी करके ड्राइव कर रहा हूं, क्योंकि इस टाइम ना ये इतना ज्यादा फनी लग रहा है, मैं क्या बताऊं। मतलब नीचे इतनी तगड़ी बॉडी शोडी सिक्स पैक्स बना रखे हैं, बाकी ऊपर एक मंकी की शक्ल है वो भी काफी ज्यादा डेंजरस, तो इसलिए बड़ी हंसी आ रही है इसको देख के। तो चलो यार अभी ना जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर खड़ा करता हूं। हमें इसी वाले जो आप सर्कल सा देख पा रहे हो इसको क्या कहते हैं, मेरे को पता नहीं, को नाम याद था। अगर आपको इस चीज का नाम पता हो ना तो मुझे कमेंट में यार जरूर बताना। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग इसके अंदर चलते हैं। थोड़ी बहुत यहां पर शायद से हो सकता है लैडर्स हो, तो हम लोग उसे टाप के यहां पर अंदर चले जाएंगे। बाकी आगे जाने का रास्ता इस साइड से, वही मैं सोचू यार पूरा एकदम ही
बंद कर रखा है। तो चलो यार, ये रही वो लैडर्स, काफी ज्यादा ऊंचाई पर हमें चढ़ना पड़ेगा और इसके अंदर लेस्टर ने उस हेलीकॉप्टर को छुपा के खड़ा करा है। तो चलो यार, अभी ने जल्दी से अंदर चल के देखते हैं। तो ओके गाइस, यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, बिना फिलहाल मैं सारी की सारी लैडर्स चढ़ के इस जगह के एकदम टॉप पर आ गया हूँ। बाकी तो यार, आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो कि कितना बड़ा यहाँ पर ये जो प्लेन है खड़ा हुआ है। बाकी यार, लेस्टर ने ना इसकी जो आप पंखड़ियां देखोगे ना, मेरे को लग रहा है उसे पैक कर दिया है और साथ ही इसका कलर वगैरह सब कुछ चेंज करा दिया है। तो चलो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी ना जल्दी से हम लोग यहाँ पर नीचे उतरते हैं और फटाफट से इस हेलीकॉप्टर को लेकर यहाँ से निकलते हैं। भाई काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है यार, मतलब कि पहले कैसा सा था यार ब्लैक कलर का, बट अभी यहाँ पर काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है। और इसके अंदर ना शायद से लेस्टर ने वेपन वगैरह भी लगाए हैं, तो ये ना कुछ टाइम के लिए हम लोग नॉर्थ एंगटन इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि चेकिंग वेकिंग ज्यादा हो जाए और अगर मिलिट्री वालों को मिल गया तो यार थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और ये जो हेलीकॉप्टर अपने बहुत ज्यादा काम आने वाला है क्योंकि अभी ना लेस्टर एक बहुत बड़ी हाइस्ट भी प्लान कर रहा है। बाकी यार, ये कहां पर रह गया मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। ओके, तो यहीं पर तो है। चलो फटाफट से जल्दी से आकर भाई हेलीकॉप्टर में बैठ। और यहां पर इस वाले हेलीकॉप्टर के अंदर सिर्फ दो बंदों की जगह नहीं है, पीछे इसके अंदर काफी ज्यादा बड़ा एरिया, और मैं बता क्यों रहा हूं, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है, काफी ज्यादा मस्त है। तो चलो यार, अभी ना जल्दी से इस हेलीकॉप्टर को हम लोग लेकर यहां से निकलते हैं। बाकी यार, एक चीज मैं आपको इसकी खास बताऊं, ये जो हेलीकॉप्टर है ना गाइस, यार ये प्लेन भी बन जाता है। ये देखो, मतलब अगर आपको इसे प्लेन बना के उड़ाना है तो कुछ इस तरीके से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, और अगर आपको हेलीकॉप्टर बनाकर उड़ाना है तो आप ये वाला बटन दबा के से हेलीकॉप्टर भी कर सकते हो। तो चलो यार, अभी ना जल्दी से इसकी पंखड़ियां खोलते हैं और इसे उड़ाते हैं। तो चलो गाइस, यार बहुत टाइम पास हो गया, जल्दी से मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूं और फटाफट से इसको लेकर हम लोग यहां से निकल लेते हैं। बाकी यार, यहां पर इसे लॉक करना तो मैं भूल ही गया, जल्दी से यहां पर जो इसका डोर है वो भी बंद करता हूं। बाकी यार, एक मिनट, ये कुछ ज्यादा ही फास्ट है, इसे कंट्रोल करना ना गाइस थोड़ा बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले ना गाइस, मैं इसे काफी ज्यादा ऊंचाई पर लेकर जाने वाला हूं, तब मैं इसे आगे ले जाऊंगा, वरना ऐसा ना हो कि हम लोग इसे सीधा सीधा ले जा रहे और यहां पर सिटी के बंदों ने इसे देख लिया और वैसे पहचान लिया, और जहां तक मुझे लगता है अभी से नहीं पहचान पाएंगे वो, क्योंकि पूरे का पूरा कलर भी चेंज हो चुका है और सब कुछ चेंज हो चुका है जहां तक है। तो ओके गाइस, यार फाइनली मैं अपने हेलीकॉप्टर को लेकर सैन एंड्रियास सिटी से बाहर आ चुका हूं। तो गाइस, अभी ना जल्दी से लेकर चलते हैं सीधा नॉर्थ एंगटन। और गाइस एक सेकंड, नीचे की तरफ में यहां पर ये पुलिस वालों को हेलीकॉप्टर था ना, रुक जाओ गाइस, अभी मेरे को थोड़ी बहुत गड़बड़ लग रही है यार, इसने मेरे को देख लिया और सारे के सारे मेरे पीछे पड़ गए। गड़बड़ होगी भाई, अभी ना जल्दी से अपने हेलीकॉप्टर को भगाना पड़ेगा। और वैसे यार, मैं नॉर्थ एंगटन नहीं जाने वाला क्योंकि यार मैंने साफ साफ बोला था अंडर वाटर माफिया जाएगा, और अगर मैं नॉर्थ एंगटन गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। बाकी पुलिस वाले अपने पीछे पड़ गए और अपने हेलीकॉप्टर की स्पीड गाइस अभी ना मेरे को बढ़ानी पड़ेगी। इसको गाइस जल्दी से ना यहाँ पर मैं प्लेन मोड पे स्विच करता हूँ, बट ये चलते हुए शायद से स्विच नहीं होता, पता नहीं यार, अभी ना फिलहाल मेरे को क्या ही करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं हेलीकॉप्टर से जंप कर देता हूँ, अंडर वाटर माफिया को बोल देता हूँ कि वो इसे लेकर यहाँ से निकल जाए। तो ठीक है भाई, अभी बस वो अपना सीट चेंज कर ले ध्यान से, मैं फटाफट से यहाँ पर आराम से इसमें से जंप मार लेता हूँ। और अभी ना मैंने अंडर वाटर माफिया को बोल दिया कि वो सीट चेंज करके अपना इसे लेकर निकल जाए सीधा नॉर्थ एंगटन। पहले पैराशूट खोल देता हूँ, वरना यार मेरे को वहां तक स्विम करके जाना पड़ेगा। वैसे यार बोट वगैरह मिल जाती तो काफी ज्यादा बढ़िया रहता, बट कोई नहीं, चलते हैं सीधा वहां तक। ग्लाइड तो हो ही जाएगा बट बहुत धीरे धीरे होगा। तो चलो गाइस, यार फाइनली मैं अपने पैराशूट को ग्लाइड करते करते बीच तक पहुंच चुका हूं, बस थोड़ा सा आगे मेरे को और जाना है, तो भी फटाफट से यहीं पर मैं आराम से एक बारी लैंड कर लेता हूं। तो चलो गाइस, क्या बढ़िया लैंडिंग हुई है। तो गाइस पीछे की तरफ में ना यहां पर मेरे को एक साइकिल नजर आई थी, तो भी फटाफट से इस वाली साइकिल को लेकर मैं यहां से निकल जाता हूं। और गाइस अभी ना जल्दी से जल्दी मुझे अपने शोरूम पर पहुंचना पड़ेगा ताकि मैं मिलिट्री कर्नल को ये दिखा सकूं कि मैं इस सब चीज में इन्वॉल्व नहीं हूं, मैं तो अपना शोरूम का बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरे ऊपर शक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी ना जल्दी से पहले काम करता हूं, यहां पर ये जो अपना मास्क है ना ये हटा लेते हैं, अपने को कोई भी डरने की बात नहीं है। और गाइस साइकिल दोनों ही काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, तो मैं सोच रहा हूं कि ये वाली लेकर चलते हैं। गाइस ये कुछ मतलब कि बढ़िया सी लग रही है, ज्यादा तेज चलेगी। तो चलो यार, अभी ना जल्दी से साइकिल को लेकर यहां से हम लोग निकल लेते हैं सीधा लेस्टर के न्यू वाले सीक्रेट बेस के लिए। वैसे यार साइकिलिंग करने में भी काफी ज्यादा मजा आता है, आप में से कौन कौन रेगुलर साइकिलिंग करता है कमेंट में जाकर जरूर बताना। और यार एक चीज ना मेरे को समझ नहीं आ रही कि आखिरकार मिलिट्री वालों को पता कैसे चला कि ये वही हेलीकॉप्टर है, मतलब कि यार वो लोग ने सीधा उसे पहचान लिया जबकि उसका पूरा का पूरा पेंट वगैरह सब कुछ चेंज हो रखा था। तो अच्छा हुआ कि हमने जल्दी से जल्दी उसे शहर से बाहर कर दिया, वरना थोड़े टाइम में जब चेकिंग वगैरह होती तो वो लोग आराम से उसे ढूंढ लेते, क्योंकि वो एक नॉर्मल सी जगह पे रखा हुआ था जो कि ऊपर से कवर भी नहीं थी। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी साइकिल भगाते लेस्टर के न्यू सीक्रेट बेस पर पहुंचने वाला हूं। और यार वैसे आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि पहले मैंने मास्क लगा रखा था और अभी हटा क्यों लिया है। तो यार देखो, बिना फिलहाल हमें डरने की कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यार अभी ना फिलहाल अंडर वाटर माफिया को तो हमने भेज ही दिया है, तो मिलिट्री कर्नल अब हमें कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि उसके पास कहने को कुछ है ही नहीं। अभी फटाफट से अपनी साइकिल को यहां से मैं अंदर लेता हूं, और शायद से यहीं पर था ना वो वाला बेस। हां गाइस यही जगह है, तो भी जल्दी से अपनी साइकिल को मैं यहीं पर पार्क कर देता हूं और फटाफट से चलते हैं सीधा यहां पर अंदर। और लेस्टर को मैं बता देता हूं कि ऐसा ऐसा सीन है और मैं जा रहा हूं
यहाँ पर सीधा शोरूम। बाकी लेस्टर ओके, तो लेस्टर ये बैठा, ओ भाई साहब ये तो यहाँ पर अपना ड्रोन टेस्ट कर रहा है ढंग से उड़ रहा है या फिर नहीं उड़ रहा। वैसे काफी ज्यादा बढ़िया, एकदम स्मूथ है और जो इसकी आवाज है ना भाई वो बिल्कुल एकदम साइलेंट है, थोड़ी बहुत आ रही है बट इतनी ज्यादा भी नहीं है। बाकी यहाँ पर ट्रेवर वगैरह तो अपना सीसीटीवी देख रहा है, फ्रैंकलिन पता नहीं क्या ही करने में लगा हुआ है। तो चलो यार अभी जल्दी से ना लेस्टर से बात करते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है और गाइस लेस्टर को मैंने पूरा का पूरा सीन बता दिया है कि अंडरवाटर माफिया को तो मैंने छोड़ दिया है लेकिन बीच रास्ते में पुलिस वालों ने हमारा जो एवेंजर प्लेन है उसे देख लिया था। तो लेस्टर कह रहा है कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, अब ये जो हाइस्ट है हम लोग करके रहेंगे चाहे प्लेन हो चाहे ना हो। अब पता नहीं यार कैसी हाइस्ट है, कौन सी हाइस्ट है, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि बहुत ही ज्यादा तगड़ी होने वाली है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से मैं यहां से निकल लेता हूं। बाकी यार लेस्टर कह रहा था कि ऐसी हाइस्ट है ना तुमने कभी जिंदगी में सोची भी नहीं होगी, पता नहीं यार कितना पैसा हम लोग इस हाइस्ट में चुराएंगे या फिर क्या होने वाला है कुछ नहीं मालूम। तो चलो यार अभी ना जल्दी से इस वाले हेलीकॉप्टर में बैठता हूं और फटाफट से भी मैं निकल लेता हूं सीधा अपने शोरूम के लिए। वैसे शोरूम नहीं गाइस, अभी ना मेरे को एक डील, हमने मतलब कि काफी टाइम पहले ना एक ऑर्डर दिया था बाइक का एक जगह पर, तो अभी ना जल्दी से वो बाइक से लेकर आ जाते हैं। इससे क्या होगा कि जो मतलब मिलिट्री का लेना उसको लगेगा हम लोग अपना काम में बिजी थे, हमने कुछ नहीं करा। अब बाकी देखते हैं और उन लोगों ने हमारे लिए बाइक बनाई या फिर नहीं बनाई। आप लोग को याद होगा काफी टाइम पहले एक डीलर हमें मिला था पलीडोबे में, तो उसी से हमने वो बाइक्स बनाई है। अभी चलकर देखते हैं, अगर बन गई होगी तो आज ही अपने शोरूम में लेकर आ जाएंगे, वरना फिर एक दो दिन और वेट कर लेंगे, क्या ही कर सकते हैं। तो चलो गाइस यार फाइनली मैं अपने हेलीकॉप्टर को लेकर पहुंच चुका हूं सीधा पलीडोबे। तो गाइस यार यहीं कहीं पर ना अपने हेलीकॉप्टर को मैं लैंड करवा देता हूं, क्योंकि यार फिर ना आगे जाकर मेरे को कोई भी ढंग की जगह नहीं मिलने वाली। तो वैसे मैं अभी किधर लैंड करवाऊं मेरे को समझ नहीं आ रहा। हां ये जगह थोड़ी सी ओपन है तो यहीं पर एकदम आराम से इसे लैंड करवा देते हैं। बाकी तो और आप लोग यहां पर देख पा रहे हो सामने की तरफ में एक पुलिस स्टेशन है जो कि काफी ज्यादा ना बड़ा हो गया, पहले मतलब इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, उसके पीछे एक हेलीपैड भी आ गया और कुछ अलग सा मेरे को लग रहा है। तो वहां पर चलकर ना एक बार चेकआउट करेंगे, अभी फिलहाल जो अपना मेन काम है वो करते हैं। फटाफट से अपने स्कूटर मेरा नहीं है, पता नहीं किसका है, फिलहाल मैंने यहाँ पर इसे चुरा लिया है, जल्दी से इसे लेकर चलते हैं सीधा सामने की तरफ में। यहीं कहीं पर तो उसने मेरे को शॉप बताई थी, तो हाँ वो देखो साइन आ रहा है मैप में, तो भी जल्दी से हम लोग वहां पर चलते हैं और उधर अंदर चलकर देखते हैं अपनी बाइक जो है वो कंप्लीट हुई या फिर नहीं हुई। ओ भाई भाई ये क्या, एक सेकेंड ये स्कूटर क्या है भाई, मैं इसे आज के बाद नहीं चलाऊंगा भाई, सच्ची में मैंने ब्रेक मारी है और आप लोग देखो भाई स्किड कितनी ज्यादा लग गई भाई, मतलब कि क्या ही खत्म ब्रेक है इसका। तो चलो गाइस फाइनली यहाँ पर जो गेट है वो खुल गया और अभी फटाफट से अपने स्कूटर को यहीं पर पार्क करते हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना जल्दी से देखते हैं कि आखिरकार हमारी सारी की सारी बाइक जो है वो मॉडिफाई हुई या फिर नहीं हुई। तो गाइस यार हम लोग ने क्या करा था, बैनी ने इनको सारी की सारी गाड़ियां सेकंड हैंड ला कर दे दी थी और इनको बोल दिया था कि इन्हें रिपेयर करके एकदम न्यू कर दो। फिलहाल सारी की सारी गाड़ियां यहाँ पर हो चुकी है और ये जो बाइक है ना ये स्पेशल बाइक है अपने शोरूम की, इसे मतलब हमने स्पेशली बनवाया है। इस टाइप की एक बाइक मैंने बहुत पहले देखी थी तो सेम टू सेम वैसे की वैसी ही बनवा ली। बाकी यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी थोड़ी बहुत बाइकों पे काम चल रहा है, मतलब अभी सारी बाइक मॉडिफाई नहीं हुई है, बट एक काम करता हूँ जितनी मॉडिफाई हुई है ना उतनी लेकर यहाँ से निकल लेता हूँ, इनकी पेमेंट कर देते हैं अंदर बॉस को। बाकी ये कौन सी बाइक है भाई, एक सेकंड इसका टायर देखो भाई, ऐसे लग रहा है मॉन्स्टर ट्रक का टायर है। वैसे यार बॉस का ऑफिस कहाँ पर है, ओके तो ये बॉस का ऑफिस नहीं है, शायद से इधर वाला होगा बॉस का ऑफिस। तो चलो यार अभी ना जल्दी से मैं बात कर लेता हूँ जितनी भी बाइक हुई है ना उसकी पेमेंट कर देते हो। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल ये बंदा कह रहा है कि ये यहाँ का बॉस नहीं है तो इसलिए इसको बाइक्स के रेट नहीं पता, पर जो बॉस आई है उसको कॉल करके बुला रहा है, कह रहा थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा आने में, जब तक तुम लोग वेट कर लो। तो चलो यार एक काम करता हूं जब तक ना मैं भी बैनी को कॉल करके बोल देता हूं कि फटाफट से ना टेस्ला ट्रक लेकर पलीडोबे पहुंच जा, वरना यार ये सारी की सारी बाइक्स में लोड किसमें कर ले जाऊंगा, बाकी जब तक एक आध बाइक अपनी और मॉडिफाई हो जाएगी। तो चलो गाइस यार फाइनली वेट करते करते पूरा का पूरा एक घंटा हो गया और बैनी भी यहां पर अपना ट्रक लेकर आ चुका है और गाइस यहां पर जो बॉस है जिसको हमें पेमेंट करनी थी वो भी आ गया है। तो चलो यार अभी ना जल्दी चल के पेमेंट करते हैं, बाकी बैनी ट्रक हां यहीं पर लाकर बस खड़ा कर दे एकदम आराम से, बाकी सारी की सारी बाइक गाइस अभी एक एक करके बाहर करते हैं। तो यार ये जो बाइक है ना गाइस यहाँ पर इसके दो मॉडल बने थे बट ये वाला जो मॉडल है गाइस ये खराब है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर एक ही मॉडल लेकर जाने वाले हैं और वैसे भी मैंने इनको एक ही बनाने के लिए बोला था, वो तो खराब हो गया इसलिए उन्होंने दूसरा बनाया। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग यहाँ पर अंदर चलते हैं। बाकी यार यहाँ पर ये बंदा काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है, मुझे लग रहा है इसको हमें बैनी के साथ ही ले जाना चाहिए। तो ये देखो गाइस यही है वो बंदा जिसे हमें पेमेंट करनी है, बाकी ये कोई आर्मी वार्मी का बंदा लग रहा है मेरे को। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल इस बंदे को मैंने $18 million की ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, लेकिन गाइस यार ये पूरी पेमेंट नहीं है, अभी थोड़े बहुत पैसे हमें इसे और लाकर देने हैं। लेकिन गाइस अभी ना फिलहाल अपना काम पूरा नहीं हुआ, अभी 3-4 बाइकें और है जो कि मुझे यहां से लेकर जानी है। बाकी ये जो बंदा था टीवी कैसे देख रहा था एकदम उसके अंदर घुस के, तो यार आप लोग तो ऐसे टीवी नहीं देखते ना भाई, ऐसे मत देखा करो, आंखें वाखें थोड़ी वीक हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। तो चलो यार अभी ना एक एक करके सारी की सारी बाइक जो यहां से लोड कराते हैं। बाकी एक बाइक इधर खड़ी होगी, चलो वो तो खराब थी, वैसे भी शायद से ये लोग ले गए होंगे बाहर। तो भी फटाफट से गाइस यार सारी की सारी गाड़ियां जो है लेकर चलते
अपने ट्रक पर लोड कराने। बाकी यार देखो टेस्ला ट्रक तो हम लोग ले आए और इन्होंने बोला था एक ट्रक तो तुम्हें हम दे देंगे जिसमें तुम सारी लोड कर सकते हो, तो चल भाई मैंने नीचे आ जा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं अपने ट्रक में बैठ चुका हूँ, जल्दी से ना इसको लेकर चलते हैं सीधा सामने, क्योंकि इन लोगों ने बोला था ना कि पीछे वाली गली में इन लोगों ने ट्रेलर खड़े कर रखे हैं, तो भी फटाफट से ना वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं। ये जो ट्रेलर है गाइस ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, अब पता नहीं यार इसके अंदर अपनी सारी की सारी बाइक्स आ पाएगी या फिर नहीं, वैसे जहाँ तक है तो आ ही जानी चाहिए। चलो यार अभी जल्दी से मैं इसे अटैच करता हूँ और फटाफट से ना इसे वहीं पर लेकर चलते हैं और एक एक करके सारी की सारी जो बाइक्स हैं इसके ऊपर लोड करवाते हैं। वैसे यार अपनी टोटल अभी 11 बाइक्स ले जानी है और जो रह जाएगी उसे बाद में ले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो फटाफट से मैं यहाँ पर मोड़ लेता हूँ। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से मैं अपने ट्रेलर को पीछे लेकर चलता हूँ। वैसे यार इनको कंट्रोल करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि राइट मोड़ तो ये लेफ्ट जाते हैं और लेफ्ट मोड़ तो राइट जाते हैं। तो चलो यार अभी फिलहाल यहाँ पर मैं इसे लेकर आ चुका हूँ। बाकी अभी ना हमें एक चीज़ और चाहिए होगी जिसके थ्रू हम लोग इस पर बाइक्स ऊपर चढ़ा सकते हैं, तो अभी जल्दी से यहाँ पर मैं इन लोग से बात कर लेता हूँ। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैकेनिक ने जो रैंप ऐसे लाकर अपने ट्रेलर से अटैच कर दिया और बैनी जल्दी से काम पर लग जा, सारी की सारी गाड़ियाँ जो एक एक करके गाइस हमें लोड करवानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पीछे वाली बाइक्स है ना इनको मैं लेकर जाने वाला हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। वैसे महंगी तो सारी की सारी बाइक्स, सॉरी आराम से ही चला रहा हूँ। तो चलो अभी गाइस जल्दी से एक एक बाइक लेकर हम ऊपर चढ़ाते हैं फटाफट से यहाँ पर। ओ भाई साहब वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है सारी की सारी बाइक्स इसके ऊपर आ जाएंगी, वो जो बड़ी वाली बाइक है ना वही कुछ ज़्यादा जगह लेगी। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर एक बाइक मैंने लोड करवा दिया है। वैसे ही वाला जो ट्रेलर है ना गाइस उस पर अटैचर नहीं है जिससे हमारी जो बाइक है वो एक ही जगह पर रुके रहेगी, तो गाइस वो भी ना हमें लेकर आना पड़ेगा, मतलब यही लोग लगा देंगे, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, तो वो सब भी लगवा कर हम लोग यहाँ से निकलेंगे ताकि बीच रास्ते में अपनी कोई बाइक इधर उधर ना गिर जाए। बाकी ये गाड़ी इसके ऊपर चढ़ भी पाएगी भाई, इसका कुछ ज़्यादा वेट है, मैं तो सोच रहा हूँ इसको चला के ले आऊँ। नहीं यार अभी लोड करके ही ले जाएंगे सारा का सारा। तो चलो यार अभी ना एकदम आराम से मैं इसे ऊपर लेकर चलता हूँ। भाई ये कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक सेकेंड, ओके ये तो काफी ज्यादा आराम से आ गई भाई, बहुत मजबूत ट्रेलर है। तो चलो अभी जल्दी से भी यहाँ पर मैंने रख दिया है, अब फटाफट से सारी की सारी बाइक्स लोड करवा लेते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम लोग ने बाइक्स को जो है ट्रेलर के ऊपर लोड करवा दिया है, तो गाइस अभी ना जल्दी से लेकर निकल लेते हैं सीधा अपने शोरूम के लिए। बाकी अभी कुछ बाइक्स ना अंदर ही रखी हुई है, तो जब हम लोग दूसरा राउंड लगाएंगे तो उन बाइक्स को लेकर चले जाएंगे। अब ट्रेलर भी छोटा था इसलिए सारी की सारी बाइक्स एक बार में नहीं आ पाई और बैनी जो है पीछे एक बाइक पर बैठा हुआ है ताकि सारी बाइक्स का ध्यान रख पाए। वैसे चोरी होने की कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिक्कत यह है कि जो ट्रक है इसमें एक बार में एक ही बंदा आगे बैठता है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम लोग ट्रक के अंदर बैठ चुके हैं, ट्रक को स्टार्ट कर लिया है, तो जल्दी से इस ट्रक को लेकर मैं निकल लेता हूँ सीधा अपने शोरूम के लिए। बाकी अभी ये तो काफ़ी ज़्यादा तेज चलता है लेकिन हम लोग तेज चला नहीं सकते क्योंकि जो अपना ट्रक है ना गाइस वो जिस रोड पर है तो वो हाईवे नहीं है और इतना बड़ा ट्रक है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी चलाने में। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं अपने टेस्ला ट्रक को लेकर पहुँचने वाला हूँ सीधा अपने शोरूम में। बस मुझे आगे वाले कट से अपने ट्रक को यहाँ पर लेफ्ट मोड़ना है, एकदम आराम से मोड़ूंगा। वो देखो सामने से एक बाइकर आ रहा है इतनी तेज, अच्छी बात है कि मैंने पहले मोड़ ली वरना बहुत ही बुरी तरह ठुकता। बाकी ये बैनी को देखो कहाँ पर बैठा हुआ है, ऊपर से सिगरेट भी पी रहा है इधर बैठ के, कहीं इधर उधर गिर ना जाए भैया गड़बड़ हो जाएगी। तो चलो यार अभी जल्दी से थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं और हम लोग पहुंच जाएंगे सीधा शोरूम। तो चलो गाइस यार फाइनली मैं अपने ट्रक को लेकर शोरूम पर पहुंच चुका हूं। बाकी यार इस तरफ में ये चेकिंग किस बात की हो रही है, लो लो भाई गाड़ी मैंने रोक दी, मैंने अभी कुछ नहीं करा, जिसको चेकिंग करनी है कर लो। तो चलो गाइस अभी फिलहाल ये लोग चेकिंग करने के लिए आ तो रहे हैं, भाई सारे के सारे गाड़ी से बाहर निकल गए, तो चलो अभी तो फिलहाल मैं जा सकता हूँ ना। तो चलो भाई अभी फिलहाल अपनी गाड़ी एकदम ओके है, बाकी एक सेकंड सर क्या हो गया। तो चलो फिलहाल अपनी चेकिंग हुई है, जल्दी से अपने ट्रक को यहाँ पर आगे लेकर चलते हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इस तरफ में इतनी ज़्यादा चेकिंग किस लिए हो रही है। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ से ऊपर, नहीं 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 यहाँ से नहीं जाना, ये सारी की सारी नई व्हीकल्स है तो इसको हमें अपने शोरूम के अंदर खड़ा करना है, तो इसलिए फ्रंट वाले गेट से चलेंगे। ये तो वो वाला रास्ता है जहाँ से किसी को भी गाड़ी रिपेयर करवानी होती है वो आता है। और ये पुलिस वालों को देखो यार बीच रास्ते में अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है, पता नहीं यार इनका क्या ही सीन है। तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, भी जल्दी से अपनी गाड़ी यहाँ पर राइट लेते हैं और फटाफट से अंदर चलते हैं। और बाकी यार शोरूम के बाहर एक टैंक खड़ा हुआ है, साथ में एक पुलिस वालों की काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं। गाइस मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जो मिलिट्री कर्नल है ना गाइस वो अपने शोरूम में आ गया है। तो अभी ना फिलहाल मैं शोरूम में नहीं जाने वाला, एक काम करते हैं अपने ट्रक को ना लेकर यहाँ से निकल लेते हैं कहीं और। तो गाइस यार एक सेकेंड, हम लोग को तो यहाँ से भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इस टाइम पर हम लोग अपने शोरूम का ही तो काम कर रहे हैं। अगर मिलिट्री कर्नल पूछेगा कि तुम लोग कहाँ पर थे इतनी देर से, तो हम लोग उसे साफ साफ बोल देंगे कि हम लोग अपने शोरूम के लिए बाइक्स की डिलीवरी लेने गए थे और अंडर वाटर माफिया को किसने रेस्क्यू करवाया या फिर बॉम्बर को किसने किडनैप करा हमें नहीं मालूम। और ये चीज देखने के बाद उसका शक तो हमारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा और साथ के साथ वो बेचारा खुद ही परेशान हो जाएगा कि आखिरकार अंडरवाटर माफिया गया कहां, क्योंकि हम लोग उसे साफ बोल देंगे भाई हमारे घर पर आकर देख लो है ही नहीं वो, और इस टाइम पर वो बेचारा नॉर्थ एंगटन पहुंच चुका होगा। तो चलो यार अभी ना जल्दी से अपने ट्रक को लेकर चलते हैं शोरूम में। अगर वैसे मैं यहां से भागता तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती थी और जैसा कि मैंने सोचा था सेम टू सेम वही हुआ। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर मैं अपने टेस्ला ट्रक से बाहर आ गया हूं और गाइस अभी ना जल्दी से चलते हैं सीधा मिलिट्री कर्नल के पास और उससे बात करते हैं आखिरकार क्या
सीन है वो हमारे शोरूम में क्या करने के लिए आया है। तो चलो, वैसे यार काफी ज्यादा सिक्योरिटी लेकर आया आज भी, और इनसे क्या पूछताछ कर रहा है, सीधा हमसे ही बात कर ले। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर मिलिट्री कर्नल से बात हो गई है, और गाइस ये कह रहा है कि कोई बात नहीं, तुम नहीं हो गए, शायद से तुम्हारे ऊपर गलत ही शक कर लिया, बाकी यार हम लोग ना सही टाइम पर अपने शोरूम पर पहुंच गए, वरना फिर बहुत ही ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। अभी ना फिलहाल ये काफी ज्यादा परेशान है कि आखिरकार अंडर वाटर माफिया को रेस्क्यू किसने करवाया ये लेकर। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मिलिट्री कर्नल अपनी गाड़ी लेकर वापस जा रहा है, और गाइस हम लोग भी निकल लेते हैं सीधा अपने शोरूम में, क्योंकि यार ये सारी की सारी बाइक हमें यहाँ पर लोड करवानी है। बाकी यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कितनी ज्यादा फोर्स लेकर आया था, यानी कि अगर हम लोग इससे लड़ने की कोशिश करते ना तो सीधी सी बात है जबरदस्ती की बहुत खतरनाक लड़ाई हो जाती। बाकी तो यार सारे के सारे लोग यहाँ से एक एक करके निकल ही रहे हैं। वैसे अपना जो ट्रैक है ना इतना ज्यादा बड़ा है कि पैंजर वेंजर सब आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो यार अभी फटाफट से सबके साथ मिलकर भाई गाड़ियां लोड करवाओ, और अच्छी बात तो है कि जिमी और लमार शोरूम में ही थे। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं ओनली 8 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबाकर गोल कंप्लीट कर दो। और बहुत से लोग हमेशा पूछते हैं कि यार आपके सेटअप टूर की वीडियो कब आने वाली है, तो सेटअप टूर की वीडियो गाइस आएगी 10 मिलियन सब्सक्राइबर पर, और हम लोग उसके बहुत ज्यादा क्लोज है। तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर दो चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने सेटअप की एक फोटो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी डाली हुई है, तो आप लोग वहां पर जाकर भी देख सकते हो। बाकी मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय। Yeah.